देख रहे हैं प्रदेश का तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल रेड अलर्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि पटेल। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। खबर नरसिंहपुर जिले से, जहां नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे हितग्राहियों ने सरपंच, सचिव और जीआरएस की शिकायत की, जिसमें अनियमितताओं और रिकवरी की राशि वसूलने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल पूरा मामला गाडरवारा तहसील की पनागर ग्राम पंचायत से जुड़ा है, जहां के हितग्राही आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में की जा रही जाँच और लगातार हो रही शिकायतों में उचित कार्रवाई करने की मांग जिला कलेक्टर रोहित सिंह से की है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके यहां सचिव, सरपंच और जीआरएस के द्वारा लाखों रुपए के शासकीय घोटाले किए गए हैं। यहां तक कि लोगों ने रिश्वत मांगने और पात्रों को लाभ न देने की बात भी कही। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने जब पूर्व में शिकायत की थी, उस शिकायत पर विभाग के द्वारा जाँच की गई। जाँच के उपरांत सचिव और जीआरएस पर 4,36,000 से अधिक की रिकवरी निकली, लेकिन 6 माह में भी उस राशि को जमा नहीं किया गया और ना ही दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की गई, जिसका उन्हें भारी दुख है और अब न्याय पाने के लिए जिला कलेक्टर के दरवाजे पहुंचे हैं। नरसिंहपुर से मुकेश पटेल की रिपोर्ट।